नमस्कार दोस्तों, सेरेसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप गंगवार। दोस्तों, एक पॉसिबल एरर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, 403.14 फॉरबिडन, ठीक है। और आपको इसमें एक सलूशन भी दे रहा है कि आईएएस मैनेजर में जाइए और डबल क्लिक करिए, डायरेक्टरी ब्राउजिंग भी और ऐसा कुछ लिख रखा है। अगर अपन ए भी सोल्यूशन करेंगे ट्राई, तो उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, आपको सिर्फ वो डायरेक्टरी ब्राउजिंग दिखा देगा, आपके सारे पेजेस, मैं दिखाता हूँ आपको, तो इस टाइप की ब्राउजिंग दिखा देगा, सारे पेजेस की आपको ब्राउजिंग दिखा देगा, तो वो ये सोल्यूशन होगा नहीं एरर का, ठीक है। तो इस एरर का सोल्यूशन है, आप अपना डिफॉल्ट पेज ऐड करें। ये देखिए, हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें क्या करनी है, इसके बाद अपनी वेबसाइट पे जाए और बस डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आपका लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करें। अपनी वेबसाइट पे जाएं और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप कौन सा पेज फर्स्ट रन कराना चाहते हो। मैं तो भैया ये चाहता हूँ मेरा वाला ये वाला पेज मेरा पहला पेज है पूरी वेबसाइट का, जो सबसे पहले रन होगा, ना कि ये तो आगे है, लॉग इन करने के बाद ही आगे आएगा। इस पेज को हमें वहाँ पे डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे ऐड करना होगा। कैसे ऐड करना है, बस ये राइट पैन जो हमारा दिख रहा है इसके ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम उस पेज का नाम लिख देंगे। अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो अपने पेज से यहाँ पे कॉपी कर लीजिए नाम, कहीं आपको लगे कि स्पेलिंग वगैरह कहीं गलत हो रही हो, ठीक है। ये करके बस आपको ओके करना है, ये लोकल पेज आपका ऐड हो गया। अब हम जब अपनी वेबसाइट को रन कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से हमारी ये वेबसाइट रन हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स में टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।